इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारे से आ रही है, जहां आरजेडी ने विधान परिषद के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बात की आधिकारिक घोषणा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की है। वहीं राजद नेता शक्ति सिंह की मौजूदगी में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और विधान परिषद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि राजद द्वारा जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उनके नाम मोहम्मद कारी सोहेब, मुन्नी देवी और अशोक कुमार पांडे है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से विचार विमर्श के बाद राजद ने बिहार विधान परिषद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की घोषणा सबसे पहले आरजेडी ने की है। जगदानंद सिंह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी फैसला लेने में विलम्ब नहीं करती है। एक सेकंड में संवाददाता अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी तो शुरू कीजिए सर। ठीक हो गया, आप ही बोलिए ना। मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल राज्यसभा के सदस्यों का घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने किया। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल निर्णय करती है और निर्णय में विलम्ब नहीं करती है। आज विधानसभा में भी हमारे विधान परिषद के कौन सदस्य होंगे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, मैं उसकी घोषणा के लिए आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारी खबर साथियों तक पहुँचे और कोई भी साथी निराश ना हो। जो आज इन्हें मौका मिला है, अन्यों को कल मौका मिलेगा। इस नीति पर चलती रही है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल आश्वस्त करती है अपने साथियों को, जितना ही राष्ट्रीय जनता दल का विस्तार होगा, अपने हम जिन कारणों से लुटेरों के लूट के कारण से हमारा दायरा थोड़ा वो नहीं बन पाया कि कभी हम 4-5 लोगों को भी लोकसभा में बैठते थे, राज्यसभा में और विधान परिषद में भी 5-6 लोगों को भेजते थे। राज्यपाल के हाँ भी नामांकन के द्वारा बहुत साथियों को मौका मिलता था। अब वो शायद राष्ट्रीय जनता दल इस बिहार के भीतर कैसे राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, वो भ्रम तो टूट गया था 2020 के चुनाव में, लेकिन उस जनादेश की लूट ले हो गई और जिसका परिणाम कि दल उतनी मजबूती से सरकार बना करके गरीब जिन कारणों से लुटेरों के लूट के कारण से हमारा दायरा थोड़ा वो नहीं बन पाया कि कभी हम 4-5 लोगों को भी लोकसभा में बैठते थे, राज्यसभा में और विधान परिषद में भी 5-6 लोगों को भेजते थे। राज्यपाल के हाँ भी नामांकन के द्वारा बहुत साथियों को मौका मिलता था। अब वो शायद राष्ट्रीय जनता दल इस बिहार के भीतर कैसे राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, वो भ्रम तो टूट गया था 2020 के चुनाव में, लेकिन उस जनादेश की लूट ले हो गई और जिसका परिणाम कि दल उतनी मजबूती से सरकार बना करके गरीबों की असहायों की सेवा करने से वंचित रह गया, जिन पर आज जुल्म हो रहे हैं। लेकिन भविष्य में
कि जुल्म से बचना है तो राष्ट्रीय जनता दल पर लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व पर विश्वास करते थे फिर करना पड़ेगा, और मौका देना पड़ेगा तेजस्वी जी को ताकि सबके लिए इस बिहार प्रतिष्ठा के साथ जीने लायक स्थान बना रहे, इसमें बुलडोजर नहीं चलेगा, कमजोरों की इज्जत और प्रतिष्ठा होगी। अभी नाम एक युवा राजद साथी का है, एक शेड्यूल कास्ट का है और एक ब्राह्मण समाज के हैं, जो कहता है कि ए टू जेड, दो लोगों में ए टू जेड नहीं दिखता। ए टू जेड देखो हमारे विधायकों की श्रेणी में, जिन्हें सीट दी गई वहाँ देखो, एमएलसी में जिन्हें मौका दिया वहाँ देखो, जो उसमें निर्वाचन हुआ वहाँ देखो, बस केवल आरोपित करने के लिए सारी चीज़ों को छोड़ करके एक दो लोगों को प्रतीक बना करके बहस में पड़ जाते हैं। तो मैं नाम आप लोगों के पढ़ता हूँ, पहले आदि फोटो हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।